अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने केस के बारे में बताऊंगा और आपको एक नई चीज़ भी बताऊंगा। एक पैरट जो है ना, उसकी आंखें ख़राब हो गई थी, तो दो दिन पहले मैंने जो है उस नीम के पत्तों के साथ, हल्दी के साथ पानी गर्म करके, तो फिर पानी को थोड़ा ठंडा किया, नीम गर्म करके रुई के साथ मैंने जो है बर्ड की आंखों को साफ़ किया, रेशा पड़ गया था और आज वो बर्ड बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत खुश है और उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। एक आंख ख़राब हो गई है लेकिन पहले से वो भी बेहतर हो गया है। तो उसके बाद जो है आज आपको केज की अंदर जो सफाई वगैरह है उसके बारे में भी गाइड करूँगा। कुछ लाइटें लगाई थी सर्दियों में, तो वो भी रिमूव करेंगे हम। और आप लोगों को मैं ये भी गाइड करता जाऊँ कि अक्सर लोग जो है ना वो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि जानवरों के काम में बहुत पैसा है तो इसको रख लें तो हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल हर काम के अंदर बरकत अल्लाह पाक ने रखी हुई है, लेकिन ये काम सेंसिटिव बिजनेस कह लें ये है। अगर आपको लगता है कि आप बर्ड का या एनिमल्स का काम करके बहुत अमीर हो जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे जो बर्ड्स हैं ये सारे इकट्ठे अंदर हैं। जो लोग बिज़नेस करते हैं उन लोगों ने पेयर पेयर बनाए होते हैं, तो वो फिर एक अगर आप इसको पेयर की शक्ल में देखें तो ये एक तरह से जंगल लगेगा। तो ये अभी एक केज है, ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसके अंदर मैंने स्पैरोज़ रखी हुई हैं और ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं। तो जो भी आप लोग घर में बर्ड रखें आप लोग उसकी बहुत केयर करें, अदरवाइज़ ये जल्दी मर जाते हैं। इनको बड़ी जो है केयर करनी पड़ती है, पानी टाइम से बदलना पड़ता है और वो भी डेली बदलना पड़ता है। गमी खुशी हो आपने पानी बदलना ही बदलना है। फिर इनको जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो इनको बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी केज के अंदर है तो विटामिन की कमी हो जाती है। आप लोग जो है इनको ग्रीन वेजिटेबल्स में मटर के छिलके हो गए, मटर हो गए, पालक हो गई, धनिया, पुदीना, ये इस तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स को शौक से बर्ड्स खाते हैं। अगर आपने घर में बर्ड्स रखे हुए हैं तो उनको ग्रीन वेजिटेबल्स दें। और अगर बर्ड्स भरे हैं जैसे अफ्रीकन ग्रे हैं, ऑस्ट्रेलियन है, कोकाटू है, मकाओ है, तो ये ना फ्रूट्स भी खाते हैं, तो आप उनको फ्रूट्स खिलाएं सिवाय केले के, बाकी उनको विटामिन मिलेंगे क्योंकि घर के अंदर होते हैं। और बाहर बर्ड रखने का ये बेनिफिट है कि एक तो इनको ये नेचुरल ग्रीनरी मिल गई है, घर के अंदर ये इतना हैप्पी नहीं रहते, बेसमेंट हो जाए, छत हो जाए, नहीं रहते, ग्रीनरी इनको चाहिए होती है। इस तरह का एनवायरनमेंट इनके लिए बहुत अच्छा ब्रीड करने के लिए। फिर इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। कोई भी जानवर है या इंसान है या आप घर के बाहर धूप में कपड़े सुखाते हैं तो साइंस के मुताबिक उसमें जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, और ये हकीकत है। इसी तरह बर्ड्स को भी जो है सूरज की रोशनी चाहिए होती है, ये अपने आप को साफ़ करते हैं और सूरज की रोशनी की वजह से इनको विटामिन मिलते हैं और ये और हैप्पी रहते हैं और ग्रो करते हैं। तो आए आज जो है आपको केज अंदर से सही तरीके से दिखाते हैं। तो आज जो है इसको भी रिमूव कर देंगे और ऊपर जो है सारे जो लगे हुए हैं इनको हम चेक करेंगे अच्छे तरीके से कि इनके अंदर कोई तोता मरा तो नहीं हुआ, गंद तो नहीं है, क्योंकि अगर तोता मरा हुआ हो, गंद हो, तो उसके अंदर जो है कीड़े आ जाते हैं और उन कीड़ों की वजह से बाकी जो बर्ड्स हैं, तोते हैं, इनको प्रॉब्लम होती है, फिर ना जरासीम फैलते हैं। तो सफाई जो है बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए तो मैंने आपको कहा कि इसको सिर्फ रख लेना काम नहीं है, बड़ी केयर करनी पड़ती है।
सफाई के दौरान ये मिला छत्ता बन जाता अगर मैं इसे ना तोड़ता, क्योंकि जो घर हैं वो ठंडी होती हैं तो पूंड आके अपना छत्ता बना लेती हैं, तो सफाई करते रहें तो इस तरह की चीज़ें वो बंदा उतार दे। नीचे जो है टाइल का काम किया गया, साइडों पे भी टाइल का काम किया गया। टाइल इसलिए लगाई है कि सफाई करने में आसानी हो, और साथ ही साथ जो है अंदर से ही इसका एग्ज़िट का पॉइंट बनाया हुआ है कि पानी अंदर से ही जो है वो बाहर चला जाए। ये देखें आप, खूबसूरत है कि पिंजरा जो है आपका नीट एंड क्लीन रहता है। ये देखिए, तो घर के अंदर अगर बंदे के पास स्पेस हो तो इतना खूबसूरत पिंजरा बनाए तो फिर टाइल नीचे लाजमी लगवाए। तो ये वो बर्ड है, इसकी एक आँख ख़राब हो गई है, एक माशाल्लाह ठीक हो गई है। मैंने जो है इसकी अच्छे तरीके से सफाई की थी, नीम के पत्ते लेके और हल्दी डाली, पानी के अंदर गर्म करके रुई के साथ साफ़ किया था। कल तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बीमार था, तो ये आँख इसकी एक ज़ाया हो गई है, बस टाइम से जो इसकी ट्रीटमेंट नहीं की। नाउ इसकी ये वाली एक आँख बहुत बेहतर है, एक दो दफ़ा फिर मैं और सोचूँ साफ़ कर लूँ, जिसकी वजह से जो है ये बेहतर हो जाए। नीम का जो पत्ता है वो काफ़ी बेनिफिट है, आप लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग भी अपने बर्ड्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर नीम के पत्तों का हल्दी डाल के पानी में इस्तेमाल करें, देसी टोटका है लेकिन वेरी बेनिफिट। ओके चलो गुड। अब जो है मैंने पानी नया डाला है और ये देखिए पीने के लिए आ गए हैं। ये बर्ड्स बहुत समझदार होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काम आसान नहीं है, डेली पानी बदलना है। पानी साफ़ होगा ये हैप्पी रहेंगे, दो दो दिन तीन तीन दिन तक जो है अगर इसमें पानी है और आपको लगता है कि बर्ड्स ये पीते हैं फिर उनकी वो मजबूरी है, अदरवाइज़ इनको साफ़ पानी डेली चाहिए। मैं मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, लोग स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं इसमें पानी गर्म हो जाता है, बर्ड्स के लिए अच्छा नहीं है। मैं फिर इसको छांव में रखता हूँ, छांव में या फिर यहाँ पे मैंने कवर्ड किया हुआ है कि धूप इधर ना आए, सर्दियों में भी काम आती है तिरपाल, गर्मियों में भी काम आती है, तो इनकी बड़ी जो है केयर करनी पड़ती है। बहुत अच्छा शौक है, हर वक्त जो है आवाज़ें इनकी आती रहती है, रौनक लगी रहती है। तो आप लोग भी जो है घर में बर्ड्स रखें अगर केयर कर सकते हैं दिल से, अगर आप केयर नहीं कर सकते तो फिर आपको एक एडवाइस है, आप बर्ड्स बिल्कुल ना रखें, इस तरह आपके पैसों का भी नुकसान होगा और बर्ड भी जो है वो इरिटेट होके मर जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।